नीट 2022 बच्चे दिए हैं जिनके अभी नंबर कट ऑफ से नीचे रह रहे हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट ना हो और CLC ज्वाइन करें, टेस्ट ना छोड़े, जो रिपीट रहे हैं वो क्लास ना छोड़े। मैं जिराज गढ़वाल, सबसे पहले CLC और CLC परिवार में बॉस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं पिछले 2 साल से CLC के साथ रहा। पिछले साल जब लॉकडाउन था तब मेरे पिताजी ने यहाँ एडमिशन करवाया गया और मैं ऑनलाइन ही घर पर क्लास ले रहा था। तब मैं पढ़ाई तो करता था पर मेरे को मालूम नहीं था कि नीट के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं, तो इतने नंबर नहीं आ रहे थे। फिर जनवरी में एक बार कोचिंग ही चली थी तब मैं सीख कर आया, तब मैंने पढ़ाई की, तब मालूम चला कि NCERT कैसे पढ़ते हैं। जब ऑफलाइन क्लासें ली तब टीचर ने बताया कि ऐसे पढ़ना है, इतने बजे तक पढ़ना है, तब कुछ चीज़ें मालूम पड़ी, तब थोड़े नंबर इंक्रीज हुए, पर उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अगले साल वापस आ गया मैं जल्दी, 5-6 दिन बाद, नीट के 5-6 दिन बाद वापस आ गया, क्योंकि मेरे 564 नंबर थे, मेरे को मालूम था कि नहीं मिलेगा कॉलेज, तो फिर मैं वापस जल्दी आ गया। फिर तैयारी करने लगा और मेरे में एक कमी थी कि नोट्स में ऐसे लिखता था कि मेरे को 5-6 दिन तक ही वो समझ में आते थे, फिर नहीं आते थे। तो मैंने अगले साल जो है वो इसी चीज़ को सही किया, नोट्स एकदम सही लिखता था, तो उसको फिर बाद में भी फट पाया, क्योंकि जैसे बायोकेम में शुरू होते थे फिर वो नोट्स समझ में नहीं आते थे, तो इनको बढ़िया लिख, फिजिक्स के नोट्स भी बढ़िया लिखने लगा और टेस्ट देता रहा। टेस्ट मेरे को सबसे बढ़िया CLC की टेस्ट लगी। मैंने लगभग बायोकेम से लेकर के दंगल तक एक ही टेस्ट छोड़ा था और वो भी होली के टाइम पर, छुट्टी पर घर चला गया था वो, इसलिए छूट गया था वो, और बाकी सभी टेस्ट दिए। और पिछले साल जो मेरी स्पीड कम थी, फिजिक्स का पेपर मेरा छूट गया था, इतने 35 क्वेश्चन किए थे मैंने फिजिक्स के, और बायो के काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे, तो इस टेस्ट लगातार टेस्ट देने से स्पीड बढ़िया हुई। नीट 2022 बच्चे दिए हैं जिनके अभी नंबर कट ऑफ से नीचे रह रहे हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट ना हो और CLC ज्वाइन करें और लगातार टेस्ट से टेस्ट ना छोड़े, जो रिपीटर हैं वो क्लास ना छोड़े, क्योंकि क्लास छोड़कर क्लास ना छोड़ें बहुत बड़ी बात है। रिपीटर ज़्यादातर ये सोचते हैं वो क्लास छोड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे भी क्लास छोड़ते हैं, जैसे कल रविवार को टेस्ट है तो शनिवार की और शुक्रवार की ऐसी क्लासें लेते नहीं हैं कि कल टेस्ट से अब तैयारी करेंगे रूम पर, फिर ऐसा ना करें, क्योंकि उससे पहले टीचर अगर कोर्स हो गया है तो टीचर आपको टेस्ट के बारे में बताता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब उनके बारे में बताता है आपको क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत बच्चे करते हैं, पढ़ाई करने से इतने नंबर नहीं आते हैं, उसके लिए एक पूरे सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, तब आते हैं। थैंक यू डियर।